नमस्कार दोस्तों, ये पहला चैप्टर है हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जहाँ पे हम लोग पॉलिटी से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, इसकी एक बेसिक बैकग्राउंड ये है कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की, जिन जिन सब्जेक्ट को हम लोग डील करेंगे, उनकी बेसिक नॉलेज आपके पास है। तो उसको दिमाग में रखते हुए छोटा छोटा चेंजेस, छोटे छोटे कनेक्शंस, छोटे छोटे ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका प्रिपरेशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल तक पहुंच सकता है। तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जो कि इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। यहां पे अडॉप्टेड का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि अडॉप्टेड का क्या मतलब है। ग्रहण करना, और उसके बाद शुरुआत इसकी कर दी है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, इट इज 26 जनवरी 1950। जाहिर सी बात है, ये 26 जनवरी 1950 का डेट क्यों लिया गया है या 26 जनवरी की क्या महत्व है, आपको ये लाहौर सेशन से पता चल जाएगा। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। आपको पता होगा 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके अंदर का रीजन ये 26 जनवरी के डेट के सिलेक्शन के पीछे का है। क्या दर्शाता है भारत का संविधान? भारत का संविधान जो है ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? भारत के एक, ये जो ट्रायम्फेंट ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम बीइंग ए कॉलोनियल टेरिटरी, किसी के गुलाम जैसे हम लोग थे 300 साल से, किसी के गुलाम बने रहने से लेकर के एक स्वाधीन रिपब्लिक बनने की जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन का सिंबल है हमारा भारत का संविधान। वास्तव में ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कभी भी चेंजेस करे जा सकते हैं एज पर द डिमांड। किसका डिमांड? ऑफ सोसाइटी। और इसको दिमाग में रखते हुए हमारे संविधान के जो मेकर्स हैं, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव गिवन अस एन चैप्टर कॉल्ड अमेंडमेंट, कि कैसे हम अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ये 368 जो है दोस्तों, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे संविधान को लिविंग रखता है, जिंदा रखता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको रेलेवेंट बनाए रखता है, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं कर पाएगा चेंजिंग सिचुएशंस या चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ, तो ये इरेलेवेंट हो जाता। फलस्वरूप आप इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं कि 1949-50 में जब ये बनकर तैयार होकर हमारे सामने आया, तब LGBT जैसे कोई कॉन्सेप्ट्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन आज के तारीख में इनको भी 21 आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर कंसिडर करने की बात हो रही है दोस्तों। इसके अंदर आर्टिकल 14 इक्वालिटी के अंदर बात करने की जो है बहस चल रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, इन लोगों को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से आज के तारीख में कंस्ट्रू करते हैं कि हम ये LGBT के जो नए डिमांड्स हैं इसको भी इंक्लूड कर सकें हमारे इस बेसिक किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान ये भी गवर्न करता है कि किस तरीके की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए, और किस तरीके से जो है संविधान आर्टिकुलेट करके बता देता है कि एक प्रॉपर इंक्लूसिव विजन दे देता है कि इस तरीके से इस लेवल की जो डाइवर्स कंट्री है हमारी, इतनी जो वाइब्रेंट डाइवर्स कंट्री हमारी, इसको एक कॉमन पर्पस की तरफ ले जाया जा सके। कॉमन पर्पस क्या है दोस्तों? कॉमन पर्पस यह है वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी। ये कॉमन पर्पस है किसका भैया? सबका, किसी अकेले का नहीं या किसी एक ग्रुप का नहीं, सबका। यह है संविधान आपके लिए दोस्तों। अब इसके अंदर अगर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएं, आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको पढ़ने से हमें क्या क्या पता चलता है। हमें सिंबल के बारे में पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है तो यह हमेशा काम आता रहेगा। यह आर्टिकुलेट करता है कि किस तरीके की विजन होनी चाहिए जिससे एक कंट्री लाइक इंडिया, विच इज एन एनॉर्मसली डाइवर्स कंट्री, उसको भी एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस की तरफ पुश किया जा सके स्लोली स्लोली विथ टाइम। और ये भी बताता है कि किस तरीके की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए गवर्नेंस में। ये सारी चीजें बता देता है आपका संविधान। इसके बाद दोस्तों बात शुरू हो सकती है इस टॉपिक को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स क्या हैं, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये रेजिलिएंट सिखाता है। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है एज टू हाउ टू बी रेजिलिएंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स एज अ वाइब्रेंट एम्बॉडीमेंट, एक एग्जाम्पल है, एक ही बॉडी है जो कि मल्टी फेसेटेड इंडिया को दर्शा देता है। तो इन स्पाइट ऑफ स्टैगरिंग एरे ऑफ लैंग्वेज, जितने भी विभिन्न प्रकार का लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, धर्म हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, इसके बाद भी संविधान एक ऐसी चीज है जिसके पास एक यूनिफाइंग फोर्स है। रिलेट करने की कोशिश करिएगा, यूनिफाइंग एज ए नेशन। तो जो भी धर्म के लोग, जो आज के तारीख के फैनाटिक्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन से धर्म के, क्योंकि फैनाटिक्स जो है वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो जो फैनाटिक्स है वो कहते हैं कि हम हमारे रिलीजियन को या रिलीजियस किताबों को संविधान से ऊपर रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि जो भी संविधान को
रिलीजियस किताबों से नीचे रखता है वो एक्चुअली में यूनिफाइंग पर्पस नहीं सर्व कर रहा है, वो एक्चुअली में देश के खिलाफ बात कर रहा है, देश की जो एकता है उसके खिलाफ बात कर रहा है। ये डिबेट आपको तुरंत जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति या जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन टॉक्स अगेंस्ट द रेजिलियंट डाइवर्सिटी और इम्बेडिंग द रेजिलियंट डाइवर्सिटी दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आप देखिए सेफगार्डिंग द राइट्स एंड फ्रीडम्स किसकी, सबकी, और कुछ कुछ क्षेत्र में स्पेसिफिकली टू द सिटीजंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन इट ऑफर्स टू इट्स सिटीजंस राइट्स। व्हाट इज अ राइट, इट्स नथिंग बट अ बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट्स जो है वो बंडल ऑफ प्रॉपर्टी है। इट गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता देता है कि उसके अंदर क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, किस किस्म की सेफगार्ड दी जा रही है, जस्टिस, फेयरनेस, ये सब चीज़ें जो हैं बाउंड्रीज किसके लिए बनाई जा रही हैं, सरकार के लिए बनाई जा रही हैं और सिटीजन्स के लिए भी बनाई जा रही हैं। सिटीजन्स के लिए इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अपनी जो अधिकार हैं ये कब तक आप या टू व्हाट एक्सटेंट आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सरकार के लिए बनाई इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि भैया इसको गवर्नमेंट इसकी तभी अच्छी हो सकती है जब ये लिमिटेड वे में काम करेगा। सो लिमिटेड गवर्नमेंट इज वॉट इट मेक्स अ गवर्नमेंट अ प्योरली प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक कंट्री। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये लिमिटेड की जगह पर अनलिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगी, अनलिमिटेड गवर्नेंस हो जाएगा, तो ये डिक्टेटरशिप में बदल सकता है। तो ये जो जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, ये जो फेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इसको सेफगार्ड आप नहीं कर सकते इवन इफ यू हैव फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन द सेंस दे एक्चुअली लिमिट द गवर्नमेंट सो एज टू गेन मोर फेयरनेस, मोर जस्टिस एंड फ्रीडम। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हो सकता है वर्बैटिम क्वेश्चन ना आए, घुमा फिरा के भी आए, तो छोटे से इन चार पांच लाइनों में हम लोग कितना कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं आप इस चीज को समझ सकते हैं। रही बात हिस्टोरिकल रूट्स की, जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था कि अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता करना है या पढ़ना है, इसकी मजा, इसका जो इंटरेस्ट है वो उसी में है कि अगर आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पहलुओं के साथ कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पोस्ट कॉलोनियल क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो क्रिएशन हो रहा है पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियाइजेशन के बाद, तो उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो रूट है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा में लिमिटेड है या वहां से केंद्र बिंदु है, केंद्रित है। इन द सेंस नॉट ओनली द बैड एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, हम उसको तो सामने रख ही रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी जो सिस्टम्स थे उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो 1453 में जब तुर्कियों ने, टर्किश एम्पायर ने, ऑटोमन एम्पायर भी आप कह सकते हैं, ये जब इसको ऑटोमन एम्पायर ने जब टर्की को कॉन्क्वेस्ट किया 1453 में, तो होता यह है कि ऑटोमन एम्पायर तो बन जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो ट्रेड रूट था, जो ट्रेड रूट था फ्रॉम यूरोप टू एशिया, इस ट्रेड रूट में आ जाता है तुर्कियों की मोनोपोली, ये सबको पता है। अब जब तुर्कियों की मोनोपोली आ जाती है तो यूरोपियन या वेस्टर्न यूरोपियंस जो हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडिया या एशिया तक पहुंचने के लिए कई सारे अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी, आप इसको कह सकते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज जो है दोस्तों, ये कोई आई वुड से ये कोई एक शौक के लिए नहीं किया जा रहा था, इट वाज अ नीड। व्हाई इट वाज अ नीड, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू गो थ्रू द स्वेज कैनल बिकॉज इट वाज कंप्लीटली अंडर द ऑटोमन एम्पायर। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनकी ये जरूरत पड़ गई थी, इट वाज अ नीड ऑफ द टावर। आपको उसके बाद पता होगा कि किस तरीके से वो लोग यूरोप से चलते हुए एशिया, फिर इंडिया पर्टिकुलरली यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर यहाँ पे किस तरीके से एक ट्रेडर के रूप में आते हैं। ट्रेडर के रूप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुरूपीय थे, फ्रॉम ट्रेडर टू दे बिकेम द रूलर्स। और कैसे रूलर्स, कॉलोनियल रूलर्स बन गए, कॉलोनियल रूलर्स बन गए, हमारे देश की रिसोर्सेज को, हमारे ह्यूमैनिटी को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने अपने मदरलैंड को प्रॉस्परस बनाया। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं, तो 1600 से लेकर के अलग अलग माइलस्टोन, जैसे 1600 के बाद 1609 में एक मेजर माइलस्टोन होता है, जब जहांगीर के कोर्ट में ये आते हैं हमारे विलियम हॉकिंस, और इनको बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि विलियम हॉकिंस की जो भी अर्जियां थी वो रिजेक्ट हो जाती हैं। 1611 में कैप्टन मिडिलटन आते हैं, यह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर मिस हो जाता है लोगों से, कैप्टन मिडिलटन आते हैं, और मिडिलटन आने के बाद इनको थोड़ी बहुत परमिशन मिलती है सरकार से टू ट्रेड। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी इतिहास जो है फ्रॉम 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इतिहास है फ्रॉम 1600 टू 1773 तक,
ये पूरी तरीके से मोनोपोलाइज कर देती है अपनी ट्रेड को। इसके बीच में ये क्या कुछ नहीं करती है, सबसे पहली बात तो यह है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी में ड्यूरिंग द 1600 टू 1773 जितने सारे रीजनल एम्पायर्स थे उनको हरा देती है। इसके साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, फुल्ली जो है कॉन्फिडेंस जो है इनमें भरपूर होता है। उस समय पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फाइनेंसेस वर प्रीटी मच गुड। हालांकि ये फाइनेंसेस जो है ये कंपनी के डायरेक्टर्स के अकाउंट्स में ज्यादा दिख रहा था रादर देन कंपनी के। तो ये चीज इवेंचुअली बाद में खटकेगी, और इसको खटकने की वजह से व्हाट हैपेंस इज कि जो क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी की होनी चाहिए थी टूवर्ड्स द क्राउन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट बिकेम अंडर क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन किया गया, उनको अंग्रेजी हुकूमत को क्राउन को समझ में आने लगा कि कंपनी जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इतने लंबे अरसे तक अगर कोई रूल करेगा तो थोड़ा बहुत उसमें जंग लगता ही है। तो जब पता चलता है दोस्तों, तो अब अंग्रेजी हुकूमत कोशिश करती है कि किस तरीके से इनके ऊपर रेगुलेट किया जाए। और ये रेगुलेट किसको करना चाहती थी, रेगुलेटिंग दी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मेन मुद्दा शुरू होता है, और यहीं से आपकी जो है किताबों में भी लिखा जाता है कि हाँ यहाँ से आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सोशियो और इकोनॉमिक कल्चरल एंड पोलिटिकल आई वुड से जो सेटअप ऑफ इंडिया यू नो ड्यूरिंग द 18th century, ये बहुत रेलेवेंट है। इसके बेसिस पे ही हम आगे समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं अंग्रेजी हुकूमत को भी बताया कि किस किस्म के रूल्स लगाने चाहिए, किस किस्म की रेगुलेशंस होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ उन्होंने डेवलप किए बेस्ड ऑन विच दे कैन रूल ओवर 100 ऑफ ईयर्स। जैसे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे इंडिया की जो कास्ट सिस्टम है, इंडिया की जो वुमेन की कंडीशन थी, इंडिया की जो पुअर लिटरेसी या एजुकेशन रेट था, ये तमाम चीजें, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था, ये जो तमाम चीजें थी, ये तमाम चीजें एक बाहर वाले के लिए बहुत ही सूटेबल हो जाता है टू रूल ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि इन चीजों से रिलेटेड अंग्रेजी हुकूमत ने कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से लॉज, किस तरीके की इंटरफेरेंस शुरू करी। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, और इवेंचुअली जब पता चला कि जो भी चेंजेस ये कर रहे हैं नॉट फॉर अस, नॉट फॉर इंडियंस, हमारे लोगों के लिए भले के लिए नहीं करते, नॉट फॉर इंडिया, इट वॉज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। जब चीजें सामने आने लगी तो हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और स्लोली फिर हम लोग देखेंगे अगर जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि इसी के बेसिस पे स्लोली एक नेशनल मूवमेंट जो है हम लोग की शुरुआत होती है, जब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इन सब एरियाज में इन्वॉल्वमेंट करने का जो उद्देश्य है वो भारत के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के बेनिफिट के लिए है, और तब जाकर नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। दोस्तों नेशनल मूवमेंट में दो तीन चीजें बहुत रेलेवेंट थी, जैसे हम लोगों ने सॉवरनिटी की बात करी थी, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की बात करी थी, हम लोगों ने इक्वालिटी की बात करी थी, हम लोगों ने डेमोक्रेसी की बात करी थी, और इन सब चीजों को हमने इनफैक्ट फ्रीडम की भी बात करी थी। इन सब चीजों को ही कंसिडर किया गया while making the constitution. So all these ideas that erupted during the national movements, all these ideas, ideologies, all these things were taken into consideration while making or rather drafting Indian constitution. ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे तो इन सब एरियाज की जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो इसके जो क्रक्स हैं, और ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से इतने से आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री रेलेवेंट थी फॉर द ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर्स। दोस्तों वापस आ जाते हैं, तो ये रहा वो हिस्टोरिकल रीजंस जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात करी। इसके अलावा ग्राउंड वर्क जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का, वो भी हमें लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट जो है वो भी हमें हमारे कॉलोनियल रूट से ही पता चलता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जेनेसिस क्या है डेमोक्रेटिक राइट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का संविधान जो है वो प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक राइट्स टू ऑल ह्यूमंस। देखिए यहां पे ह्यूमंस की बात हो रही है, यहां पे केवल सिटीजंस की बात थी,
तो जब भी हम लोग ऐसे ह्यूमंस की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, समथिंग विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, जिसको रिकॉग्निशन की जरूरत है, कोई हमें दे नहीं रहा है, दीज आर ऑल इंट्रिंसिक, इट्स ऑलरेडी देयर विद अस बाय बीइंग अ ह्यूमन, बाय वर्चू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास ये अधिकार हैं, सरकार सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो ये नॉन ह्यूमंस, नॉन इंडियंस और इंडियंस सबके लिए है, इसलिए सिटीजंस के नाम से नहीं बल्कि ह्यूमंस के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की जो इवोल्यूशन है, जो वैल्यूज हमारे इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी कॉलोनियल पीरियड में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत वाजिब सी बात है, जो चीज़ आपके पास नहीं होती है आपको उस समय उसकी कदर होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आपके पास ये डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, जो इंस्टीट्यूशन थे वो एब्सोल्युटली अनडेमोक्रेटिक थे, तो आपको उसकी वैल्यू पता, आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है टू रन अ हेल्दी गवर्नेंस। और इसीलिए नेशनल मूवमेंट में थ्रू आउट हम लोगों ने इन्हीं सब चीजों को लेकर बात करी, इन्हीं सब वैल्यूज को अपहेल्ड करने की कोशिश करी, और यही सारी चीजें इवेंचुअली भारत के संविधान को बनाते वक्त जो है कंसिडर किया गया है, रखा गया है दिमाग में। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ आ रही होंगी। हम लोग अगले वीडियो में एक और इशू के साथ आएंगे, इसी चैप्टर वाइज के फ्लो के साथ, इसी चैप्टर के फ्लो के साथ चलेंगे, छोटे छोटे वीडियोज बना रहे ताकि चीजें जल्दी कवर कर सके और क्रिस्प रहे और दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए थ्रू आउट जितने से आपके दोस्त हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस बहुत कामगार सिद्ध होने वाली है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।